किट्स। देखिए ये क्या है, ये एक तराजू है और ये तराजू हमें जनरली मार्केट में देखने को मिलता है। आजकल वैसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हैं, इन तराजू से हम अपने वेजिटेबल, ग्रॉसरी, फ्रूट्स को मेज़र करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं तो इसका मतलब है कि इधर जो रखी गई चीज़ है, जैसे आपकी वेजिटेबल हो, ग्रॉसरी हो या फ्रूट्स हो, वो यहाँ पे रखे हुए जो वेट होता है उसके इक्वल होती है। मीन्स अगर यहाँ पे हमने 1 kg रखा है तो 1 kg भी 1 kg थिंग ही यहाँ होगी, चाहे वो आपकी शुगर हो या एप्पल हो या बनाना हो, व्हाटएवर जो कुछ भी हो। इसके अलावा ये जो होता है, अगर ये दोनों इक्वल है तो मीन्स हमारा बैलेंस कैसा है, सही है। आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इनमें से जो भी पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा वो कैसा होगा, लाइटर होगा, और जो भी पार्ट नीचे की तरफ होगा वो कैसा होगा, हैवियर होगा। लाइटर मीन्स वो चीज़ कैसी है, हल्की है। हैवियर मीन्स वो चीज़ कैसी है, भारी है। एग्जांपल के देखिए, मैं आपको ये 2 lemons देती हूँ, ये 2 नींबू हैं, इनमें से कौन सा नींबू हैवी है और कौन सा क्या है, लाइट है, इसको हम चेक करते हैं। एक नींबू को मैंने इसमें रखा, एक नींबू को मैंने इसमें रखा, और आप इसको देखेंगे, ये देखिए, ये शो कर रहा है कि जो पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है वो नींबू, जो पार्ट नीचे की तरफ है उस नींबू से क्या है, हल्का है। मीन्स ये नींबू हल्का है और ये जो नींबू है वो भारी है। आप देखेंगे, आपको अंतर भी नज़र आ रहा होगा, ये छोटा लग रहा है और ये बड़ा नज़र आ रहा है। इस तरीके से मैं एक ऑनियन लेती हूँ और एक लेमन लेती हूँ, और मुझे देखना है दोनों में से कौन सा हैवी है और कौन सा लाइटर है। सी, देखिए आपको दिख रहा है, यानी नींबू कैसा है, हल्का है, और ऑनियन कैसा है, भारी है। अब ये आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, बनाना बहुत आसान है। मैंने कुछ नहीं किया, 2 डब्बियों को लिया है और उसमें 3 होल किए हैं, इनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। एक स्टिक ली है, उस स्टिक में इन तीनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, और बीच में एक हैंडल लिया है जिससे क्या है, दोनों चीज़ें बैलेंस रहें। इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, तभी दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। ये जो थ्रेड है इसकी जो लंबाई है या लेंथ जो है, उस सब में कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी ज़्यादा या कम होगी तो आपका जो बैलेंस है वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। देखो ये तराजू है और इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को मेज़र करते हैं। अभी अंकल आपको ना कुछ 1 kg ना मेज़र करके दिखाएंगे। दिखाओ तो भैया, ज़रा 1 किलो कैसे तोलते हो आप, 1 किलो का ये वेट रखेंगे, ये रहा। अब इस पर 1 किलो मैंगो रखेंगे, चेहरा भी तो लो फिर मेरा। अब आप, अच्छा ठीक है, आपका चेहरा भी लेती हूँ। अब ये देखो, जब ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी तो उसका मतलब ये है कि ये मैंगो 1 kg के इक्वल हैं। अभी देखो ये मेज़र बराबर करने के लिए, बिल्कुल इक्वल करने के लिए छोटे बड़े साइज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें थोड़ा सा ज़्यादा देने के लिए इसको क्या कर दिया, हैवियर कर दिया। यानी मैंगो जो है 1 kg से क्या है, हैवी हैं।